अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेक और बैलुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ डायमंड कार्ड शेयर कर रही हूँ। और फ्रंट से इनका जो है ना, इन्होंने बैंक्स कार्ड लेना था तो उसको ज़रा डिफरेंट स्टाइल में मैंने दिया, मांग निकाल के 2 इंच का राइट से लेफ्ट किया। ये देखें, राइट उसको एक क्लिप लिया, उसको राइट किया और क्रॉस करते हुए इनको बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिया। अब उसी स्टेप को मैं साथ लेते हुए बहुत थोड़ा थोड़ा कट करते हुए इसको स्पीड से एक लेयर्स की शेप में, लेकिन स्ट्रेट कट में उसको मैं नीचे लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लेंथ बहुत कम नहीं करनी और इनके बाल बहुत बारीक हैं। ये बहुत प्यारी सी छोटी सी गुड़िया हैं और उसे अपने लेंथ कम नहीं करवानी। हर बच्चे की यही होती है कि हमने कटिंग करवानी तो लेंथ कम ना हो। और मैं इसी तरह दूसरी साइड भी स्टेप बाय स्टेप उसको नीचे लेके जा रही हूँ, लेकिन इसके बाल ज़्यादा ही बारीक थे इसलिए थोड़ा सा मुझे पीछे से शेप देते हुए थोड़ा सा लेंथ कम करनी पड़ी जी। ये देखें, इसको मैं एक राउंड शेप में, बहुत डीप शेप में नहीं, तकरीबन लाइट सी यू विस्टेट में इसको कट दे रही हूँ। देखिए, शोल्डर से मिलाते हुए डाउन शोल्डर से मैं नेप एरिया पे आई हूँ। अब ये बिल्कुल मेरा नेप एरिया है, इसको मैं राइट लेफ्ट साथ मिलाते हुए इसको मैं कट कर दूँगी, लेकिन सीज़र को स्ट्रेट रखते हुए स्ट्रेट स्टाइल में इसको कट दूँगी, ताकि इनके मैंने बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं करने, बाल बहुत बारीक हैं। लेकिन जब मैं इसको शॉर्प लुक भी देना चाह रही हूँ तो जिसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने सीज़र को स्ट्रेट स्टाइल में काटना है, ताकि बाल जो है ना मेरे थोड़े से शार्प लुक में आए जी। अब मैं क्रोन एरिया में एक डायमंड उठा रही हूँ, जो कि मेरे ये देखें, पहले फ्रंट से बैक से भी निकाली और फिर मैंने फ्रंट से भी निकाली तो ये एक डायमंड की शेप बन जाती है। बाल अच्छी तरह आपके गीले होने चाहिए और टेंगल फ्री करें बालों को, और अच्छी सा कॉम करते हुए इसको बिल्कुल आप ये देखें नीट सा इसको निकालें। फ्रंट की तरफ आप ले आएँ इसको, आप नीट करें, सली करें और उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए ऊपर लेके जाके अपना इसको स्ट्रेट कट कर दें। ये क्रोन एरिया का जो हमारा फ्रंट से था वो स्टेप मैंने अपना लिया, उसके साथ मिलाते हुए मैंने इसको दोबारा कट कर दिया। इसी तरह मज़ीद मैंने 2 इंच मज़ीद नीचे बैक की तरफ से मैंने एक वी निकाली और उसको पहले वाले कट के साथ मिलाते हुए इसको मैंने स्ट्रेट कट कर दिया। इसी तरह ये देखिए, मैंने अब तीसरा स्टेप लिया और 2 इंच का फिर स्टेप लिया और उसको पहले कट के साथ मिलाते हुए मैंने इसको स्ट्रेट कट कर दिया। ये मेरे 3 स्टेप हो गए। और ये देखिए, जब मैंने बैक पे छोड़े और बहुत खूबसूरत इसका ये देखिए स्टेप आ गया, जो बहुत पतले बाल थे बहुत ही खूबसूरत लुक में इन्हेंस हो गए। अब मैंने फ्रंट से जो हमारा बिल्कुल आइज़ वाले एरिए, फोरहेड वाला एरिए, वहाँ पे मैंने एक लाइट सा भी निकाला और उसको मैंने फ्रंट पर ला के उसको कट कर दिया जी। ये देखें, इसको मैंने अब इन दोनों को मैंने राइट एंड लेफ्ट उसको पकड़ा, जो पहले मैंने राइट एंड लेफ्ट सेपरेट उसकी कटिंग की थी, अब दोनों को मैं मिला के वी कट में इसको स्ट्रेट कर दिया, ताकि जो इनके एक्स्ट्रा बाल थे वो निकल जाएं जी। ये मेरा कट है आपके सामने। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जी। अब मैं इनको बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि इसको स्ट्रेट बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे तो इसलिए मैं इनका आयरन करके आपको दिखा रही हूँ। और बहुत सॉफ्ट सी लुक आई है और ये बेबी बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे बाल उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कटिंग हुई है। उम्मीद है कि आपको भी अच्छे लगे होंगे, क्योंकि इसके बाल बहुत ही बारीक थे, लेकिन ये देखिए कटिंग के बाद बिल्कुल भी कम बाल नहीं लग रहे, बालों में अच्छा खासा बाउंस लग रहा है, बाउंस आ गया है, देखिए ज़रा जी। देखें जी, थैंक यू सो मच, ये मेरी फाइनल लुक है। जज़ाकअल्लाह।